अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरोट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक ये है, आपका पैरोट आपको पसंद क्यों नहीं करता, आपसे नफरत क्यों करता है, व्हाई योर पैरोट्स हेट यू। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली आज की, एंड तक वीडियो पर बने रहे, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपको यहाँ ऐसी पैरोट से रिलेटेड अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेंगी। तो मैं आपको आज आपके 5 मिस्टेक बताने वाली हूँ, 5 साइंस बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपका पैरट आपसे हेट करता है, आपसे नफरत करता है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद आपको होप सो बहुत हेल्प मिलेगी। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आपका पैरोट सो रहा होगा तो वो किस चीज से डिस्टर्ब होता है, आपको इस चीज का बहुत ख्याल रखना जरूरी है। आपके टीवी अगर लाउड स्पीकर में चल रहा होगा, आपका मोबाइल चल रहा होगा, अगर आप वहां आसपास हो और जोर जोर से बातें कर रहे होंगे तो ये सब चीज से पैरोट की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो पैरोट की नींद बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो इस वजह से भी वो आपसे हेट कर सकता है, आपसे नफरत कर सकता है। तो ये साइन नंबर 1 हो गया। आप अगर ये ऐसी मिस्टेक कर रहे होंगे तो आप ना करें। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपका कुछ बिहेवियर है जो पैरोट को पसंद नहीं आता, कुछ चीजें ऐसी जो शायद उसे पसंद नहीं आती होंगी। लाइक अगर वो खाना खा रहा हो और आप उसको खाना खाते वक्त डिस्टर्ब करो, आप उसको ले लो, उसको हाथ पे उठा लो या फिर उसको कुछ कर लो तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो हंगरी हो तो स्पेशली उस टाइम पे उसको डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है खाना खाते टाइम। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप कर रहे होंगे तो ना करें, उस वजह से भी आपका पैरोट आपको हेट करता है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर आपका पैरोट आपको, मतलब आप अगर उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, उसे टेम कर रहे हो, हैंड टेम कर रहे हो या उसे खाना दे रहे हो, उस वक्त अगर आपका पैरोट आपको बाइट करता है तो आप उस पर गुस्सा ना करें, उसको प्यार से समझाएं। अगर आप उससे गुस्सा करोगे तो आप उससे दोस्ती कभी नहीं कर पाओगे, वो आपसे कभी नहीं अटैच हो पाएगा। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि अगर वो आपको बाइट करता है उस वक्त आपको रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। पॉइंट नंबर 4 ये है कि आप अपने पैरट को खाना वाना दे रहे हो और उसको एक कोने में रख दिए हो, पड़े पड़े वो एक बाजू रहता है अगर आपके घर में, आप उसके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते हो तो भी वो आपको पसंद नहीं करेगा, आपसे हेट करेगा। बिकॉज ना आप उससे दोस्ती कर रहे हो, ना उसको बिल्कुल भी टाइम दे रहे हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ खेलो, उसके साथ बातें करो तो वो भी आपसे हैप्पी हो जाएगा, इस तरह आपकी भी उससे दोस्ती हो जाएगी। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर फोर कि आप उसके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते हो जो आपको करना है। पॉइंट नंबर 5 ये है, अगर आपका पैरोट दिन भर केज में रहता है, दिन भर एक ही जगह रहता है, आप उसको वहीं खाना पीना दे रहे हो, एक ही जगह उसको सिर्फ केज में रख रहे हो तो वो काफी एग्रेसिव हो जाता है। ये तो जाहिर सी बात है, ये एग्रेसिव होना तो हम इंसानों में भी होता है और बर्ड्स में भी होता है। एक जगह कोई भी इंसान बोर हो जाएगा, तो वो तो परिंदा है तो वो भी ऑब्वियसली बोर होगा एक बाजू, तो उसको एक बाजू बैठे नहीं रखना है, उसको आपको बाहर निकाल के उससे बातें करना है। तो ये थे कुछ साइंस जो आप अगर ये 5 मिस्टेक कर रहे होंगे तो ना करें, उनका खूब ख्याल रखें अपने पैरट्स का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना आप, और आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट ड्रॉप जरूर करना। आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आप वो भी कमेंट पुट कर देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अपने पैरट्स को, अपने बर्ड्स को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, वो बहुत स्वीट होते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि वो बहुत स्वीट होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। जज़ाकअल्लाह एवरीवन।